अब हम बात करते हैं जनाब चाकरे आजम रिंद अंडरपास की। इसकी एक तारीख है और इसकी हिस्ट्री क्या है जी, ये जानने के लिए हम मिनाहिल के पास। लेकिन जमील, उससे पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम अक्सर रोड्स पे जा रहे होते हैं और हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो रोड्स पर ही गुजरता है। अगर आप काम करते हैं, इफ यू आर अ वर्किंग लेडी या इफ यू आर अ वर्किंग मैन, अगर आपका दिन जो है वो ऑफिस आते जाते या बच्चों को स्कूल से पिक करना, ड्रॉप करना, हमें अक्सर रोड्स पर जो है वो अंडर पासेस नजर आते हैं। रोड्स के ऊपर डिफरेंट नाम मेंशन हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस नाम से मनसूब किया जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजीम शख्सियात के बारे में हम जानते ही नहीं है। हम उनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम बिल्कुल इग्नोर करके आगे जो है ना वो गुजर जाते हैं। लेकिन आज हमने सोचा, कितना अच्छा एलैबोरेट किया है, वरना लोगों ने ये सोचना था, अच्छा चाकरे आजम रिंद अंडरपास की हमें क्या इंटरेस्ट है, हम इस बारे में जाने। तो बेसिकली हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चाकरे आजम रिंद एग्जैक्टली कौन थे और उनके नाम पे जो अंडरपास रखा गया क्यों रखा गया, तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं मिनाहिल के पास। ओवर टू यू मिनाहिल शेख। तो लाहौर कनाल रोड पर वाकया चाकरे आजम रिंद अंडरपास पर, यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ाना गुजरते होंगे और यकीनन इस नाम को भी पढ़ते होंगे, मगर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस अजीम इंसान का पता होगा जिसके नाम से ये अंडरपास मंसूब है। तो आए चल के आपको बताते हैं कि मीर चाकरे आजम रिंद कौन थे। चौदह में पैदा होने वाले मीर चाकर खान रिंद, जो चाकरे आजम रिंद के नाम से जाने जाते हैं, वो जवानी में ही अपनी बहादुरी की वजह से मकबूल हो गए। कलात पर हमले के दौरान उन्होंने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि लोग हैरान रह गए। मीर शाह के इंतकाल के बाद उन्हें पूरे रिंद इलाकों का हुक्मरान बनाया गया। उनका दौर बलोचों के अरूज और खुशहाली का दौर था। आज भी तमाम बलोच कौम का हीरो मीर चाकर रिंद ही है। उनकी सारी जिंदगी जंगो जदल में गुजरी, जिसमें रिंद और लाशार की 30 साल जंग भी शामिल है। जब बलोच कबाइल इंतशार का शिकार होने लगे तो मीर चाकर खान ने बगैर किसी कसास के लाशार कबीले के साथ दुश्मनी खत्म कर दी। 1523 में उकाड़ा के एक कस्बे सतघरा में कयाम पजीर हुए। 1555 में मीर बजार खान जतोई की सरपरस्ती में हुमायूं के साथ देली पर हमला आवर हुए और शेर शाह सूरी के जानशीनों को शिकस्त देकर देली फतह किया। 1556 में वो खालिके हकीकी से जा मिले। मिनाहिल, बहुत शुक्रिया आपका, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए ये रिपोर्ट थी कि चाकरे आजम रिंद के नाम से जो अंडरपास बनाया गया, चाकरे आजम जो हैं उनकी हिस्ट्री क्या है।